ब्यूटी सीक्रेट ऑफ माइन। ओके, फिलहाल नहीं दिख रहा है ब्यूटी सीक्रेट, क्योंकि बहुत दिनों तक ये ब्यूटी सीक्रेट, महीना डेढ़ महीना हो गया शायद ये यूज़ नहीं किया मैंने, और हेल्थ भी डाउन है, अस्थमा का अटैक्स भी वगैरह। तो देखो, ये जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप स्पिरिचुअल वर्क में लगे रहते हो, और आपको टाइम नहीं है, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, टाइम है आपके पास बट आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे में क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन ब्यूटीफुल होते हुए भी ब्यूटीफुल नहीं दिखती, क्योंकि बाकी सारी लड़कियाँ, एक सीक्रेट बताती हूँ, लड़की का रियल कलर अगर आपको जानना है ना, तो उसके हाथ का कलर देख लीजिए। ओके, ये जो हैंड का कलर होता है ना, तो मेरा जनरली हैंड हमेशा गोरा होता है, बट चेहरा उतना गोरा नहीं होता। अभी नहा के आई हूँ इसलिए चेहरा थोड़ा दिख रहा है, और अभी मैंने ये यूज़ भी किया है ना, तो ये जो है रियल, अगर आप लड़की देखने जा रहे हो तो भाई पहले ये देख लो इसका क्या कलर है। तो मैं देखती हूँ जनरली सारी लड़कियों की ये काले है, लेकिन उनका चेहरा बहुत ही गोरा है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि भाई, मुझे पता चल जाता था कुछ ना कुछ करते ही है। तो अगर आप ब्यूटीफुल होते हुए भी नहीं दिख रहे हो, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, इसको आप यूज़ करो। इससे इसके डी टैन रिमूवर से पूरा टैन निकल जाएगा, और दिवान फेमिनन होती है वो, समटाइम्स ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा पैसे नहीं डालती। एक दो बार पता है मेरी आंखों में ये दिखता था ना, मैंने ये किया था और वीडियो बनाया था, वो आंखों में रह गया। आपको लगा होगा ये पता नहीं क्या गंदा है, गंदा नहीं है ये ये बच जाता है आंखों में। तो कहने की बात है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, इससे पिंपल्स नहीं आएंगे आपको। मतलब बाकी कोई स्क्रबर आप यूज़ करते हो, एक 25 की नहीं कह सकते, 30 के एज के बाद तो 100% लेडीज़ को जो है टैन रिमूवर यूज़ करना चाहिए। और मसाज भी मिलता है, मैं मान लीजिए आपका मूड बहुत ख़राब है, आपने इससे मसाज कर लिया, तो स्क्रबर से बड़ा अच्छा होता है, दूसरा कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ना फेस पैक, ना और कुछ, ना और कुछ। ओके, मैं तो कोल्ड क्रीम भी नहीं लगा रही, मैं तो पहले से ही कोई क्रीम नहीं लगाती, मुझे पसंद ही नहीं है। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करो। बाकी स्क्रबर में यूज़ करती थी तो छोटे छोटे से दाने, या कुछ क्या बोलते हैं उसको, जैसे घमोरिया टाइप आते थे, बट इससे नहीं आते। और एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं जब बाहर निकलती हूँ तो सैंडल पाउडर यूज़ करती हूँ, जो कि पॉन्ड्स का होता है, और इससे ऐसा लगता है कि जैसे फाउंडेशन लगाया हो, और काफ़ी मतलब 5-6 घंटे तक आपकी चमक बनी रहती है। तो पॉन्ड्स का जो सैंडल वाला होता है, उसमें से एक पाउच मुझे बहुत पसंद है, छोटे सा उसका ये है, जो कि 8 या 9-10 रुपए में ही कुछ आता है, उसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मैंने तो 7-8 लाके रखे, ढूंढने का काम नहीं, बट मैं वो भी यूज़ नहीं करती, जस्ट जब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा लगाती हूँ, और कोई क्रीम वैसे तो लगाती नहीं। और एक ब्यूटी सीक्रेट बताती हूँ, आपको डार्क चॉकलेट खाना चाहिए, जो कि क्या हुआ था, मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, ट्विन जर्नी में दोस्तों सचमुच चमक आ जाती है चेहरे पे, बट डिवन जो स्टासीड्स होते हैं उनमें अक्सर जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसके लिए मैं बताती हूँ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने होंगे, पालक हो, मेथी हो, या जो भी हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं उसको ज़्यादा खाया कीजिए। अगर आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है तो पहले देख लीजिए, किडनी स्टोन वगैरह होते हैं तो पालक मत खाइए भाई, टोमेटो भी मत खाइए। तो मेरी फ्रेंड जो है, मैं उसको क्रिस्टल भेजती हूँ गिफ्ट में, और वो मुझे, शायद मैं कभी इतना 3D की चीज़ों पे इतना नहीं खर्च कर पाती, वो मुझे 3D की चीज़ें ऑफर करती है, क्योंकि वो, उसका चॉइस है, मैस्कुलाइन एनर्जी में है और मैं फेमिनाइन एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी हीलिंग की ओर देखती है, कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रही है वो हमेशा तक जाए, इसलिए वो क्रिस्टल उसको हमेशा यूज़फुल रहेंगे, उसको हेल्थ देंगे, फिर स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ देंगे, इसलिए मैं उसको जो हूँ क्रिस्टल गिफ्ट करती हूँ। मैंने उसको बहुत ही अमेजिंग ओरिजिनल, क्या बोलते हैं, ईरानी फिरोज़ा गिफ्ट किया है, और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स भी मैंने उसको गिफ्ट किए हैं, और मैं उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी गिफ्ट करती हूँ, कि उसको पता चले कि इसके इफ़ेक्ट क्या है। तन्वी हर्बल शतजीवंती, जो हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, शतजीवंती मतलब शत
शत गुना, शत माने शंबर, शंबर माने सौ, सौ माने हंड्रेड, तो शत गुना ये आपको जो है जिंदा कर देती है, जीवंती, जीवन दे देता है। तो वो मुझे गिफ्ट करती है डार्क चॉकलेट, मतलब थोड़ा सा गंदा लगता है मुझे, वो चाहती है कि मैं हर टाइप का चॉकलेट टेस्ट करूं, और वो मुझे ड्राई फ्रूट वाले चॉकलेट भेजती है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसको कैसे समझाऊं, बट वो बोलती है कि सर्च में मिलते नहीं है, बट स्टार्टिंग में मुझे प्लेन चॉकलेट पसंद था, फिर उसने, मैंने प्लेन को डार्क चॉकलेट मैंने समझ लिया, और उसको मैंने बोला कि मुझे ड्राई फ्रूट वाले चॉकलेट मत भेजा करो, मुझे प्लेन चॉकलेट ही भेजा करो कैडबेरी के। तो उसने फिर वो डार्क चॉकलेट भेजा, दो तीन दिन मुझे कड़वा लगा, उसके बाद टेस्ट मर गया मेरा। वो एज अ मेडिसिन मैं खाती हूँ, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स, मेरे सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरा हार्ट बहुत कमज़ोर है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए सबकॉन्शियस में, बट मैं उसके लिए सबकॉन्शियस ट्रीटमेंट ही ले रही हूँ। मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मेरा हार्ट, एक्चुअली मेरे अंदर सेटिंग ऑटोमेटिक है, मैं बोलती हूँ कि जब भी मुझे हेल्थ डाउन होती है, ईश्वर मुझे खुद ऑटोमेटिक अच्छा कर देता है। मैं ऐसे कमांड डालती हूँ खुद को कि जब भी मेरी हेल्थ डाउन होती है, ईश्वर मुझे और भी ज़्यादा हेल्दी बना देता है। और ये मैंने लॉजिकल से नहीं सोचा है, ये मुझे ऑटोमेटिक पता है कि ऐसे हर टाइम मेरे लाइफ में बात आई कि मैं, ऐसा लगा मर गई, ख़त्म हो गई, बट ईश्वर ने फिर से ज़िंदा कर दिया। तो ट्विन फ्लेम्स के मामले में ये मैजिक होता है कि गया गया गया, फिर से आया। जब तक उसका सोल पर्पस नहीं हो जाता, वो नहीं जाता। तो मुझे पता चला कि वह क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी है, डीएम से मिलना था, ऐसे नहीं मिलना था, बट ऐसे मिलना था, आँखों आँखों में देखना था। तो बड़ा अजीब है ना ट्विन फ्लेम का, जब सेपरेट होते तब पता चलता ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, हे भगवान मैं अपनी आत्मा को कैसे छोड़ दूँ, फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब 3D में देखो कैसा लगता है कि यार हम क्या किसी के हस्बैंड के पीछे पड़े हैं, बट देखा जाए तो अपनी सोल है, बड़ा बुरा लगता है ऐसे में। और वो भी अगर कार्मिक सिचुएशन में हो, तो उसको हम बताते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, तुमको लास्ट में जो है सरेंडर ही करना पड़ेगा, ट्विन जर्नी में ईश्वर जो चाहे वही करना पड़ेगा, जिन कार्मिक के ऊपर तुम इतनी एनर्जी डाल रहे हो, तुम ड्रेन ही होने वाले हो, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। बट ऐसे में डिवाइन फेमिनिन दुनिया की नज़र में स्वार्थी औरत, बुरी औरत, पता नहीं डायन औरत, पता नहीं क्या क्या बन जाती है। बट प्रोसेस है जब अवेकनिंग का, दोनों का, किसी सीक्रेट एज में डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, और कुछ समय बाद डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन मैस्कुलिन की भी पहले अवेकनिंग हो सकती है। मेरी जो फ्रेंड है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है और वो अवेकन है, बट वो अभी सर्च में है कि उसका ट्विन कौन है। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की एक्सीडेंटल होती है, कुछ लोगों की पहले होती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी भी जागृत होती है बहुत टाइम पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले फेमिनिन ही जागृत हो। तो उसके लिए अच्छा है कि भाई उसकी एक्सीडेंटल अवेकनिंग नहीं हुई है, उसको पता है कि वो जर्नी में है और कोई है। तो मैं प्रे करती हूँ कि उसको वो मिल जाए। वो बोलती है नहीं नहीं मेरे लिए मैनिफेस्ट मत करो, मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में। मैंने उसको कहा कि ट्विन भी कहाँ मिलता है, वो तो सेपरेट ही होता है, उसको मिलने में, रियूनियन होने में, अरे रियूनियन मतलब ये नहीं ओके दिमाग से निकाल डालो, तो रियूनियन होने में जो है काफ़ी टाइम, ज़िंदगी निकल जाती है, तो तुम ऐसा मत सोचो। और वो सोल की नीड है, उसके सिवा ना स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होने वाली है, ना कम्प्लीट होने वाली है, ना कुछ और होने वाला है। तो और एक फेमिनिन इस जर्नी में आपके जो मनी ब्लॉकेज, बहुत गंदा गेम है ना भगवान का। देखो क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन को, मतलब भगवान मानते ही नहीं है, दोनों को अवेकन करा के छोड़ते हैं, रियूनियन करा के छोड़ते हैं, ये आपका टेंशन नहीं है रियूनियन करने का, वो सब भगवान का टेंशन है। इधर डिवाइन मस्कुलिन दूसरे कनेक्शन में गया, उसको मनी लॉस, मेंटल लॉस, पता नहीं क्या 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 लॉसिंग 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 कर देते हैं, फिर भी वो नहीं समझा तो उसको हेल्थ लॉस कर देते हैं, दो दो बार तीन तीन बार कोरोना दे देते हैं, फिर भी वो नहीं सोचा तो अब टर्म कैसे शुरू है पता है। पहले डिवाइन मस्कुलिन को 2020 वाले अवेकनिंग सुन लो के, पहले डिवाइन मस्कुलिन को 2020 में जो है मनी लॉसेस झटके दिए गए बिजनेस में, फिर उनको हेल्थ लॉसेस दिए गए, एमिक्रॉन
ओमिक्रॉन ही ना, कोरोना की लहर, सेकेंड लहर महाराष्ट्र में जब आई थी। और अब जो है उनको इतना मेंटल ट्रॉमा दिया जा रहा है और अवेकन किया जा रहा है, तो ये हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। आई थिंक मुझे इसका टाइटल जो है डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी ही डालना चाहिए, कि ये हो रहा है भाई डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। उनका बहुत ही गंदा वाला, बहुत ही रोनी पीटने वाला ऐसा ड्रा सीन शुरू है, तब जाके उनको थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन के लिए पछतावा, रियलाइजेशन हुआ है। बहुत गंदे ट्रिगर उनके कार्मिक्स ने उनके साथ किए, तो आने वाले समय में वो जल्दी ही आपके हाथ पैर पकड़ के माफ़ी मांगने वाले हैं, तो उनके लिए भी भाई शिव के अंश हैं। तो कभी कभी मैं गालियाँ दे देती हूँ मेरे सोल, फिर मैं बोलती हूँ मेरे सोलमेट को कि नहीं नहीं यार, वो भी तो शिव का अंश है, हमको उसके से गाली ना नहीं देनी चाहिए, बट ठीक है, क्या है, अपना ट्रॉमा है तो सहना पड़ेगा। तो ब्यूटी सीक्रेट्स की बात हो रही थी, तो दोस्तों ये ब्यूटी सीक्रेट चॉकलेट भी है। अब डार्क चॉकलेट मान लीजिए आपकी, आपको परवड़ता नहीं है, आपके बजट में नहीं है चॉकलेट खाना, लेकिन आपकी शादी फिक्स हुई है और आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे ग्लो आए, तो आप जो है डार्क चॉकलेट खाओ। मुझे ड्राई फ्रूट वाले पसंद नहीं है यार, मेरे सोलमेट को समझाओ कोई, वो भी बेचारी बहुत सर्च करती है, वो बोलती है मिल नहीं रहे मिल नहीं रहे मिल नहीं रहे और वो मुझे पता नहीं दुनिया भर के चॉकलेट खिला चुकी है मुझे तो बड़ा प्यारा रिश्ता है, बट बुरा लगता है समटाइम्स जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव में देखती हूँ उससे मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ट्विन जर्नी में, तो क्या पता आगे भगवान ने क्या लिखा है। हम तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट भगवान ने आगे क्या लिखा है। तो मैं सोलमेट के लिए मुझे काफ़ी बुरा लगता है, देखा जाए तो मुझे बुरा खुद के लिए लगना चाहिए, बट खुद के लिए ऐसी फीलिंग हो गई कि सुख दुख की कोई अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, सुख आए दुख आए बहुत देख लिया लाइफ में, तो अब ज़ीरो की स्टेज पे है, ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है। तो मैं देखती हूँ कि मेरी जो सोलमेट है उसकी और मेरी जर्नी जो है, क्योंकि सोलमेट मेरी फीमेल बॉडी में है, उसकी और मेरी जर्नी काफ़ी सेम है, पैटर्न भी सेम है, और बट फ़र्क है कि मैं उससे 4 साल बड़ी हूँ, तो उसकी वो स्टेज शायद 4 साल बाद आए और उसको वो समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या रियलाइज़ कर रही हूँ और मैं कैसे कंप्लीट हो गई। तो जब उसकी अटैचमेंट वाली, ओवर अटैचमेंट, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा समवेयर पागलपन भी मुझे लगता है कि मेरा रियूनियन हो गया तो उसको वो नहीं बोलेगी, बट उसको दुख होगा मुझे पता है। तो मैं इक्वल रहती हूँ, मैंने मेरी नज़र में मेरे सोलमेट और डीएम एक ही स्थान में है, क्योंकि रोमांटिक एनर्जी मेरे अंदर है ही नहीं। मैं तो समझती हूँ ये दुनिया के सारे लोग मेरे बच्चे हैं, मैं महाकाली हूँ, ओके तो मेरी नज़र में क्योंकि अब सेक्सुअल एनर्जी नहीं है तो ज़ीरो है सब कुछ, मतलब पता है कि ये अपने हैं सोलमेट। बहुत मैं डरती हूँ कि क्या ये कोई निगेटिव थाट अपने मन में ना क्रिएट कर ले कि मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं अपने डीएम से प्यार करती हूँ। मैं दोनों को, क्या मैं दुनिया को इक्वल समझती हूँ? मेरे अंदर वो फीलिंग ही ख़त्म हो चुकी है, मैं कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट की ओर जा रही हूँ, ईश्वर में समाहित होने की ओर जा रही हूँ, मुक्ति की ओर जा रही हूँ। मेरे अंदर ये अपना पराया या मुझे कोई झोंपड़ा बना के उसके अंदर रहना नहीं है डीएम के साथ, और 4-5 चिड़िया के बच्चे नहीं पैदा करने तो ओके तो समझने की बात है कि वो एनलाइटमेंट की स्टेज जो है उसको वो जब फील करेगी तो उसको समझ में आएगा, शायद 4 साल बाद उसका वो प्रोसेस होगा। उसकी कुंडली में भी जो है केतु बहुत ही पावरफुल पोजिशन में है, जिसकी वजह से उसको टेलीपैथी बहुत समझ में आती है, मैं क्या कर रही हूँ समझ में आती है, मैं रात को नहीं सोई तो भी उसको समझ में आता है, तो वो सारे पावर्स उसके अंदर है, बट उसको पता नहीं अभी फिर भी कि कौन उसका रियल ट्विन फ्लेम है। तो मैंने साइन एंड सिम्टम्स भी बता दी, उसका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो चुका है, काफ़ी सारे रेकी से उसको बहुत फ़र्क पड़ा है, उसके सारे चक्रा एक्टिवेट हो गए। तो
बहुत वो मुझे थैंकफुल बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में आई और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। तो मैं बोलती हूँ ये होना ही था, तुम्हारी कुंडली में माँ पार्वती लिखी हुई थी, 12वें स्थान में कुंडली केतु है, तो मुक्ति की ओर तुम भी जा रही हो, एनलाइटमेंट की ओर तुम भी जाने वाली हो, तुम्हारे मन में से भी ये माया मोह ख़त्म होने वाला है और तुम भी एक ज़ीरो माइंड की पोजिशन में आओगी, ऐसा मैं उसको बताती हूँ। तो ब्यूटी सीक्रेट्स मैंने बताए हैं, सबसे पहले तो आपको ये न्यूट्री ग्लो नाम है इसका, ओके, इसको मिरर इमेज दिख रही होगी आपकी, मिरर इमेज में मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ, जब मैं सीधा वीडियो करके बनाती हूँ तो मैं खुद की शक्ल खुद नहीं देख पाती हूँ, डर जाती हूँ, ओके टेढ़ी मेढ़ी शक्ल दिखती है मेरी। वो डिस्टेंस रेकी का एक वीडियो डाला था मैंने, वो रियल इमेज है, जाके उसको देखो, ओके, वो पता चलेगा मेरा रियल थोबड़ा कैसा है लेकिन वो ज़्यादा ही डार्क आया, मतलब ग्लो नहीं आया, तो रियल में मेरा स्किन ग्लो है, मेरे लिप्स बहुत ही कलरफुल है, और बट इसमें क्योंकि ये 13 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसमें कुछ नहीं आता, और बट ये है कि मेरा स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरी ये नस दबी हुई है तो यहाँ का चेहरा थोड़ा ठीक नहीं दिखता तो ये है सीक्रेट, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पार्लर के पैसे बच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप हेयर कट करा लो और आईब्रोज बना लो, और मैं तो वो जो कोल्ड वैक्स होते हैं, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेंसिटिव, तो जिसकी वजह से मैं जो वैक्स करते हैं लोग पार्लर में उसके बाद मेरा पूरा स्किन काला पड़ जाता है, तो मैं नहीं करती वो सब। तो मैंने जस्ट कुछ फंक्शंस के लिए या कभी कुछ हो और आपको लगे, जैसे इस समय हम पैरों में जो है बॉडी लोशन लगाते हैं, उस समय वो बाल बीच में आ जाते हैं तो उनको निकाल दो तो इसलिए मैं जो हूँ उसको कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स जो मिलते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, जो वैक्स स्ट्रिप्स मिलते हैं कोल्ड वैक्स, जस्ट चिपकाओ और खींचो। तो एक तो ये है कि मुझे कोई पार्लर लेके नहीं जाता इसलिए वो मेरे काम आ जाते हैं, और ठंडी के दिन में या कोई फंक्शन हो तभी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन उसमें भी ओवर सेंसिटिव हो जाती है, उसमें भी उसका बेहाल हो जाता है, तो इसलिए जनरली मैं ना स्किन पे कोई कोल्ड क्रीम लगाती हूँ, ना वैक्स करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं स्किन पे लगाती। बट मुझे ये फॉर्मूला मिला कि मैंने एक जॉब की थी 2020 में, एक ही महीना की थी जॉब, वहाँ पे मुझे बड़े सजेशन मिलने लगे, ठीक रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो, मैंने कहा सही बात है, रहना तो चाहिए। तो मैंने उस समय एक ऐसे ही साइड में एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने जो है स्क्रबर ख़रीदा था, और मुझे इससे पहले उसका कोई यूज़ कुछ भी नहीं पता था, मैंने उसको यूज़ किया, यार ये बड़ा अच्छा है, तो इसके बाद भी मैंने किसी के पास ये देखा और मैंने वो ख़रीदा, यूज़ किया, तो ये बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि वो जो स्क्रबर में यूज़ करती थी हिमालय का था, वो एप्रिकॉट का भी था और वो भी अच्छा है, और अगर आप संतरे वाला यूज़ करते हो वो ऑरेंज वाला तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें से समटाइम्स थोड़े से घमोरिया टाइप दाने निकल आते हैं जो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये बहुत ही पावरफुल है, ये तो आपको मतलब एकदम गोरा ही बना देगा, और ऊपर से आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1000 ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पिंपल्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मिंट का फॉर्मूला है, मिंट जो होता है ना, चुन 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 गोली मराठी में हम बोलते हैं तो वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से जो है जो भी है पिंपल्स नहीं आएंगे आपको। देखो जो कम एज वाली लड़कियां हैं ना, उनको ये रगड़ने वाले फॉर्मूले ज़्यादा नहीं ट्राई करना चाहिए, उससे क्या होता है ये ऑयल की जो ग्रंथियाँ होती है ऑयल एक्टिव हो जाता है, ऑयल एक्टिव हो गया तो फिर पिंपल्स आने लगते हैं, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, उनको मुल्तानी मिट्टी, दूध वगैरह, क्योंकि बॉडी में गर्मी भी होती है ना उस समय, तो आपको सर्दी की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, अभी मैं गलती से लेप लगा लूँ तो मुझे सर दर्द होता है, सर्दी होती है, इसलिए मेरे लिए अच्छा है, मैं लेप वगैरह नहीं लगाती गलती से भी, लेकिन यंग एज में जब आपकी स्किन पर बहुत ऑयल होता है तो आप चाहो तो रोज़ मुल्तानी मिट्टी का जो है लगा सकते हो, वो आपके लिए वरदान है, बिना कुछ किए पार्लर में जाने की नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा टोमेटो भी लगा सकते हैं, तो उस समय हो सकता है कि टोमेटो से भी पिंपल्स निकल आए, थोड़ा सा जलन हो जाए,
तो ये होता है। और एक बताती हूँ, जब आप नमक के पानी से ऑरा क्लीन करते हो ना, नमक के या फिटकरी के पानी से, वो गर्म पानी में डाल के बॉडी को लगा के 10 मिनट 15 मिनट बैठो और नहा लो, तो उस समय भी ब्लीचिंग होती है और पिंपल्स जैसा, पिंपल्स नहीं घमोरिया जैसा आते हैं लाल 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 लाल, बट वो 15-20 मिनट बाद निकल जाते। उससे भी नमक के पानी से भी वो जो है पूरा ब्लैक स्किन निकल जाता है, टैन निकल जाता है और बचा कुचा ये निकाल देता है। तो ये भाई है ब्यूटी सीक्रेट। ओके, अगर ऊपर से आप थोड़ा लैक्मे का काजल लगा लो तो बहुत अच्छा है। यार मेरा काजल पिघलता ही नहीं, पता नहीं क्यों, दुनिया भर लगाते मैं ऐसे उसका रगड़ती रह जाती हूँ, बोर होके छोड़ देती हूँ। तो ये हो गया मेरा, कुछ नहीं करती मैं। तो ये मेरे ब्यूटी सीक्रेट्स है। एक तो मैं ये न्यूट्री ग्लो लगाती हूँ महीने में या 15 दिन में, अभी ठंडी के दिन है इसलिए महीना डेढ़ महीने बाद यूज़ कर रही हूँ, बट जनरली आप इसको 20 दिन बाद 15 दिन बाद अगर यूज़ करते हो 30 की एज के बाद, तो ये अच्छा है। जिनकी एज कम है उनको ज़्यादा ये स्क्रबर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, उनको मुल्तानी मिट्टी काफ़ी है। गर्दन पे जो काला काला होता है ना, पता है कि इतनी हरामखोर औरत थी, हमारे पहचान की थी, खुद को बड़ा स्टेटस समझती थी वो, और उसका हस्बैंड जो बैंक में था तो बड़ा खुद को पता नहीं क्या समझती थी, उस पार्लर भी था उसका। तो मैंने अभी पहचान की है ऐसा लगा, तो मैंने उसको पूछा यार मेरी गर्दन पे बड़ा काला काला हो गया है तो इसको क्या करना चाहिए, तो पार्लर वाली है उसने तो पता नहीं बहुत बड़ा कोर्स कर रखा था, पता नहीं क्या। हाँ, मैं सोच के बताऊँगी। मेरा यार इसको इतना खिलाओ पिलाओ किसी काम के नहीं है। तो सिंपल सी बात उन्होंने मुझे नहीं बताई कि स्क्रबर टैन रिमूवर अगर आप लगाते हो तो ये निकल जाता है। तो मेरा, मुझे बहुत ही बुरा लगता था जब मैं गर्दन पे देखती थी, बट उसको भी स्क्रब करो वो निकल जाएगा। ओके, और तो ये है मेरा सीक्रेट, ब्यूटी सीक्रेट। ऊपर से डार्क चॉकलेट खाओ अगर महंगा लगता है आपको, और आपकी तो शादी जब होने वाली हो आपके तब खाओ, चेहरा ग्लो करेगा, हस्बैंड को इम्प्रेस करना है तो वो खाओ। फिलहाल मेरे भी ख़त्म हो गए चॉकलेट, अब ये वीडियो मेरी सोलमेट सुनेगी फट से भेज देगी। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो ये है कि डार्क चॉकलेट, टैन रिमूवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, जिससे आपकी बॉडी में खून बनता है और आँखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं वो नहीं आते हैं। आप लाख कोशिश कर लो, ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ, और बॉडी में अगर खून नहीं है तो आँखों के नीचे काले घेरे होंगे। तो चिया सीड्स जो होते हैं वो भी खाओ, उससे भी जो है हीमोग्लोबिन जिसमें ज़्यादा होता है वो सारी चीज़ें खाने की कोशिश करो, जिससे जो है ये आँखों के नीचे काला चला जाएगा। मेरा डार्क चॉकलेट से ही चला गया, आई थिंक वही खाने से मेरा ये आँखों के नीचे के काले घेरे चले गए, थोड़ा हार्ट भी मेरा मजबूत हो गया। और बीच बीच में मैंने जो है, मैंने दोनों ट्राई किया, मैंने ग्रीन वेजिटेबल और नींबू पानी, नींबू पानी भी पिया कीजिए अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम है, सर्दी की प्रॉब्लम है और नींबू पानी पिया नहीं जाता, तो लिमसी के जो टैबलेट्स आते हैं वो एक टैबलेट रोज़ खाया कीजिए, पानी भरपूर पिया कीजिए। ओके, पानी भरपूर, देखो अंदर से अगर खून अच्छा है, ब्लड अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम, विटामिन सी से जो है हमारा चेहरे में निखार आता है। ओके, तो ये लिमसी की टैबलेट्स जो है, आपको झुरिया लगती है स्किन में, ग्लो नहीं करती स्किन, ओवर ड्राई स्किन है, तो आपको लिमसी के टैबलेट्स लेने चाहिए, जो विटामिन सी के टैबलेट्स होते आप मेडिकल में जाइए, विटामिन सी के टैबलेट मांगिए। आप विटामिन ई भी ले सकते हो, ओके, विटामिन ई भी ले सकते हो। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो डेक्सोरेंज आई थिंक नाम है उसका, या कुछ और नाम है पता नहीं, बट बहुत सारे, आप मेडिकल में जाओगे या डॉक्टर से पूछोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जिसमें विटामिन B12, आयरन, पॉलिक एसिड वगैरह ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। वो तो लोगे ना, तो स्किन मैं अगर वो लेती हूँ ट्यूबलाइट से भी, मतलब मैं कहती हूँ कि ज्योतिर्लिंग बन जाती हूँ मैं, चम चम चम। मैंने एक बार रेलवे स्टेशन पे वो ले रही थी मैं टैबलेट्स वगैरह, और वो डेक्सोरेंज वगैरह, डेक्सोरेंज ही नाम था आई थिंक उस लिक्विड का,
और मैंने रेलवे स्टेशन पे अपना चेहरा धोया तो आसपास के लोग देखते ही रह गए, इतना वो ग्लो करता है। लेकिन कब, जब आपको आयरन की कमी हो गई हो तब आप उसको लीजिए। तो अंदर से सब कुछ होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, तो बाहर से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अंदर कुछ नहीं है, बाहर कुछ भी कर लो, कितनी भी बड़ी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, कितना भी खर्चा कर लो, बेकार है, सब वेस्ट है। तो अंदर के कंटेंट्स हमेशा याद रखो कि विटामिन सी, विटामिन ई भी आप ले सकते हो। मुझे विटामिन ई बड़ा सूट करता है, लेकिन मैं थोड़ी वेजिटेरियन टाइप की हूँ तो मुझे गिल्टी सा लगता है कि शायद ये मछलियों का तेल होगा, ये सोच के मैं, पड़े हुए हैं मेरे पास लेकिन लेती नहीं मैं उसको, जबकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो पॉपकॉर्न खाइए, पॉपकॉर्न से विटामिन ई मिलता है आई थिंक। बट ये है कि तेल से अगर तकलीफ़ हो रही है तो आपको, मेरा एक पॉपकॉर्न का वीडियो भी मैंने डाला है, वो देखिए कैसे बहुत कम तेल में जो है बहुत सारे पॉपकॉर्न बन सकते हैं। आइडिया बताती हूँ, इत्तू सा तेल डालिए, इत्तू सा, ओके, जैसे बालों में कितना लगाते हैं हम, थोड़ा सा। तो उसमें कढ़ाई में तेल डालिए और बहुत सारे दाने एक साथ डाल दीजिए, कटोरी भर, ओके, आधी कटोरी, एक कटोरी, जितने चाहे, जितने खाने उतने डाल दो, और उसको तेल में भूनो, सिर्फ भुनना है, ओके, सिर्फ भुनना है। जब वो ऑटोमेटिक फटने लग जाए, अब रुकने का नाम ना ले, बड़ा सा कवर उसके ऊपर, परात वगैरह, बड़ी सी थाली उसमें रख दो ताकि वो जो फटेंगे वो बाहर नहीं आएंगे, ओके। तो इस तरह बिना तेल के भी आप पॉपकॉर्न बना सकते हो, ओके। नमक जो है लास्ट में डालियो, तेल में सब कढ़ाई में चिपक जाता है, आपको ही धोना पड़ता है फिर, और इसलिए, और वो पॉपकॉर्न को अच्छे से चिपकता भी नहीं है। तो तेल में हमको सिर्फ हल्दी डालनी है और भूनना है पॉपकॉर्न डाल के, और फिर लास्ट में उसके ऊपर जब खाना है तभी नमक छिड़क के खाओ, काला नमक छिड़क के खाओ तो और भी टेस्टी। तो ये सीक्रेट है भी मेरे, चिया सीड्स भी आप खा सकते हैं। जो भी आप ढूंढ ढूंढ के निकालो कि आपको विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, तो लेमन मेरा फेवरेट है कि मैं कितने भी लेमन पी सकती हूँ, ओके। बट वो मार्केट पास में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, मिलते नहीं समटाइम्स गर्मियों के दिन में। तो लिम्सी बड़ा अच्छा है गर्मियों में, तो मैंगोज़ भी आते हैं तो वो भी अच्छा है। तो सारे विटामिन्स अगर आपके अंदर है तो आपको किसी ब्यूटी टिप्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टैन को भगा दो। टैन के लिए तो ये न्यूट्री ग्लो जो है, डी टैन रिमूवर, बहुत ही यूज़फुल है। इसका फ़ोटो निकाल लो, इसकी मिरर इमेज जो है ऑनलाइन मंगवा लो, ऑनलाइन मंगवाने का ये फ़ायदा है आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। दो बहनें हैं आप तो 7-8 2 मंगवा लो, अब फिर आपको कुरियर चार्जेस भी नहीं लगेंगे, ओके, मतलब माफ़ हो जाते हैं, जितना ज़्यादा का प्रोडक्ट आप लेते हो कुरियर चार्जेस कम हो जाते हैं। उसी चक्कर में मैंने बहुत सारे ले लिए थे, तो अच्छा है कि बार बार कौन मंगवाए। और मेरे अपनी सिस्टर को दो, जो भी अपने नियर डियर है उनको दे सकते हो। मैंने तो मेरी बहन की शादी में सबके मुखड़े धो दिए, सबको मैंने पाउच बांटे, और मेरी बुआ जो हमेशा पीछे पड़ी रहती है उसको भी एक दो दे दिए। बोलो रगड़ो अपने मुंह को जितना रगड़ना है उतना, और सारी शादी में सबको गोरा बना दिया मैंने। एक होता है ना कि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जैसे मारवाड़ी लोग, पता है पार्लर में मैं देखती हूँ हमेशा एक लेडी आती थी, वो जो अपने पूरा बॉडी का वैक्स करवाती थी, सारे बॉडी से जो है बाल खींच खींच के निकलवाती थी। हाँ भाई, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन अजीब से लगते हैं, पता है, वो ऐसे नेचुरल नहीं लगते। तो कितना भी आप पार्लर कर लो लेकिन अंदर ग्लो नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो विटामिन सी, विटामिन ई, उसके ऊपर ध्यान दो, उससे आपका पूरा ही हेल्थ अच्छा हो जाएगा। मुझे, मेरे अंदर हमेशा विटामिन्स की कमी रहती है, मैं गलती से भी थोड़ा निगलेक्ट कर दूँ तो मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। तो इसलिए मुझे ज़रूरत है कि मैं थोड़ा ध्यान दूँ, लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं देती। जो कि मेरी सोलमेट फ्रेंड, वो बेचारी चॉकलेट बेचती है, उसके इतने महंगे वाले चॉकलेट बेचती है, मैं एक एक दिन में दो दो खा जाती हूँ, 200-200 के खा जाती हूँ, वो फिर से बेचती है। तो चॉकलेट भी सीक्रेट है, बट वो अच्छा निकला मेरे लिए। डार्क चॉकलेट खाना, अगर आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स है तो वो अच्छा है आपके लिए। और परेशान हो गई थी, कितना भी वेजिटेबल्स खाओ ये आँखों के नीचे का काला जा नहीं रहा था,
तो उसे काफ़ी चला गया। और नींबू पानी भी पिया करो। और भी आपके कुछ सीक्रेट्स है बताओ, सेकंड वीडियो बनाऊंगी तो कमेंट बॉक्स में बताओ ब्यूटी सीक्रेट क्या क्या करते हो आप। तो ये फुल बॉडी भी आप लगा सकते हो, ओके फुल बॉडी भी लगा सकते हो। और भी कुछ होते हैं सीक्रेट्स भाई, वहाँ पे कैसे ग्लो आना, यहाँ पे ग्लो कैसे आना, वो तो हमें नहीं पता तो आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में ओके चलो भाई आज के लिए इतना ही। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है? डिवाइन फेमिनाइन से जस्ट अलोन जोन, उनको थोड़ा अपने विकास की ओर ध्यान देना है, अपनी वो मेडिटेशन में उतरना चाहती है, डीप मेडिटेशन में उतरना चाहती है, डीप कनेक्शन विद डिवाइन, क्योंकि इस समय डिवाइन ने उनको इतना बजट दिया है कि वो थोड़ा समय ना काम करे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी कमाना तो पड़ेगा इसीलिए। बट ये टाइम डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा रिलैक्स और एन्जॉय कर रही है, क्योंकि मेरी भी जर्नी देखिए तो बीच में जब बहुत सारे व्यूअर्स आते थे तो सबको जवाब देते देते मेरी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रही थी, और मैं लिटरली रोने लगी थी, पैसे तो मेरे पास आने लगे थे पर ज़िंदगी के लिए तरस गई थी। तो वो सुकून मिल रहा है अब, कोई ज़्यादा नहीं मैं आ रहे मेरे पास, और मैं सोच रही हूँ कि सचमुच क्या पैसा ही सब कुछ होता है? तो अब जो सुकून थोड़ा सा मिला है तो भूखे तो मर नहीं रहे, इतना पैसा तो ईश्वर ने दिया है। तो जब नया नया इस घर में आई थी कोई चीज़ नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब खरीद ली है, और अब थोड़ा सा डर लगता है कि अगर हेल्थ इश्यू आ जाए तो पास में रोकड़ा नहीं है, तो इसलिए डर लगता है। लेकिन अगर हेल्थ इश्यू ना आए तो मैं सोच रही हूँ कि जो मुझे खाली टाइम मिला है उसमें मैं डीप मेडिटेशन में उतरूँ तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। थोड़ा प्राणायाम, पहले टाइम नहीं मिलता था, अब थोड़ा कर लो तो ऑटोमेटिक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये सीक्रेट्स है भी, अब थोड़ा भगवान का करोगे तो भगवान बाहर एक बाकी सारी भी सेटिंग्स कर देगा। तो जो मराठी लोग हैं उनके लिए एक बताती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओके। शिव लीलामृत का जो एक 6th चैप्टर है जिसमें सिमंतनी का बताया गया है कि कैसे सिमंतनी जो है 14 साल की उम्र में उसका हस्बैंड जो है नदी में चला जाता है और गायब हो जाता है, फिर वो नाग लोक में जाते हैं, नाग उसको जिंदा करते हैं, 3 साल बाद वो वापस आता है। तो शिव की कृपा से सिमंतनी को ज्योतिष विद्या से पता चलता है कि उसके साथ ये होने वाला है, 14 साल की उम्र में वो विधवा होगी। तो वो जो क्या करती है, बचपन से ही वो शिव की भक्ति करना शुरू करती है, प्रदोष व्रत करती है, सोमवार शिवरात्रि और नाइट को जागरण, 11 लक्ष जो है बिल्व पत्र वो चढ़ाती है, 11 लक्ष जो बाती होती है वो भी वो जलाती है, तो वो मन्नत मांगती है। ऐसे वो शिव की बहुत भक्त होती है जिसकी वजह से शिव भक्ति के कारण उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। तो ये एक चैप्टर में बताया गया है कि अगर बिछड़ गए हैं, सेपरेशन आ गया है या कुछ हुआ है जिसकी वजह से जो आपका पार्टनर दूर चला गया है, शादी नहीं हो रही जल्दी से, या विधवा औरत भी पड़े तो भी उसका उसके लिए जो भी अच्छा है भगवान वो करता है। और तो वो चैप्टर अगर पढ़ो तो बाकी कुछ मिले ना मिले मुझे थोड़ा सुकून मिला है। मैंने 2 दिन पहले वो चैप्टर पढ़ा था, बट मैंने भगवान को ये बोला कि किसको चुना है आपने एज अ लाइफ पार्टनर, मेरा कौन है, क्या ये सचमुच ट्विन जर्नी है? मैं तो कंफर्म हूँ कि ट्विन जर्नी है, बट किसी ग्रंथ में या किसी बड़े पुराने ग्रंथ में ये बताया नहीं है। तो उसकी वजह से मैं भगवान को बोलती हूँ कि ये जो बताया जा रहा है कि ये ट्विन जर्नी है और ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा रियल पार्टनर कौन है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो क्या श्री कृष्ण मेरे पार्टनर है जो मुझे मोहित कर देते हैं, या साई बाबा मेरे पार्टनर है जो अंतिम शांति मुझे उनके अंदर ही मिलती है? तो मेरा पार्टनर है कौन? अगर जो भी मेरा पार्टनर है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि एक चिड़िया को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को भी, हर किसी को भी जो है पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो कार्मिक तो मेरा पार्टनर नहीं है, तो मुझे समझ में आ गया। सोलमेट से, सोलमेट मुझे इतना प्यार करती है बट भगवान उसके साथ मेरी ग्रोथ नहीं होने दे रहे,
कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट दे रहे कि देखो तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन की हालत क्या है। तो सोलमेट को अगर ज़्यादा एनर्जी देती हूँ तो वहाँ डिवाइन मैस्कुलिन का नुकसान हो जाता है, तो मैं अनकंडीशनल लव देती हूँ सोलमेट को, और मेरी सोलमेट फीमेल है, ओके। और तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मेरे कुछ कर्तव्य है इसकी मुझे थोड़ा रियलाइज़ कराया जाता है, बट मेरे लिए उनके कोई कर्तव्य नहीं है, उनको सिर्फ अपने ही कर्तव्य है। तो मैं सोचती हूँ कि फिर मेरा पार्टनर कौन है, क्योंकि अगर डिवाइन मैस्कुलिन मेरा पार्टनर है तो वो तो अपने बीबी बच्चे पता नहीं पूरा खानदान जॉब बिजनेस इसमें व्यस्त है, तो मेरा पार्टनर कौन है? तो मुझे अंतिम शांति तो साईं बाबा के पास ही जाकर मिलती है, और मुझे वो उन्हीं की तरह रहना पसंद है। वो एक जो पहनते थे जैसे मैं भी गाउन पहनती हूँ, उनको भी कुछ लगाना चंदन वगैरह वो पसंद नहीं था, कुछ ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं था, बालों को बांध के रखते थे शायद, वो खुला नहीं रखते थे, मैं तो खुला रखती हूँ। बट एक नेचुरल ग्लो बाबा के चेहरे पे देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में वो चला गया है कि यही ब्यूटी है, यही ब्यूटी है, ये लगा के थोड़ा टाइम हम बहला ज़रूर लेते हैं जो, बट एक रियल ब्यूटी जो है वो यही है। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं सजू धजू या कुछ करूं। तो ये बात है। और कुछ दिनों बाद मुझे डुप्लीकेट दांत लगाने पड़ेंगे और डुप्लीकेट हेयर भी लगाने। दोस्तों मेरा हेयर फॉल इतना डेंजरस हो गया है, मेरे सिर्फ 10% बाल बचे, देखो इतने ही बाल हैं मेरे पूरे मिला के। तो पता नहीं इसके लिए मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता, और ज़्यादा टेंशन लेना भी नहीं है, बट क्या होता है कि जब कंघी डालते हैं तो पूरे के पूरे बाल आ जाते हैं, तो अब इसीलिए मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है आयन पे, क्योंकि आयन का अब तो भाई वो भी टिप्स है, गुड़ खा सकते हैं आप, ओके, थोड़ा सा शहद चाट सकते हैं आप बिना गर्म किए, शहद को भी चाटिए, तो ये है, थोड़ा असली घी भी खा सकते हो, ओके। मैं राइस पे डाल के खाती हूँ, तो गुड़ खाइए, शहद खाइए, और भी कुछ टिप्स हो तो मुझे बताइए। क्या बोल रही थी? एक बात बताऊँ मैं, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात है। ट्विन जर्नी कोई रोमांस की जर्नी नहीं है। आजकल कुछ ऐसे चैनल्स निकल आए हैं जो कि इस तरह से समझाते हैं कि जैसे मान लो कि फर्स्ट सुहागरात से पहले एक माँ समझा रही है कि देखो ऐसे करना है, हस्बैंड को ऐसे लुभाना है, ये लिपस्टिक का शेड लगाना है, ये बॉडी परफ्यूम तुमको इस पार्ट पे लगाना है, तो ऐसे समझाते तो लड़की को लगता है कि भाई ये तो सबसे बड़ी मेरी जो है हमदर्द है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मतलब ये जो है हाँ समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है कि मान लो कोई निगेटिव सोल है, अब मैं नहीं बता सकती, ये आपकी सोल डिटेक्ट करती है, लेकिन कब डिटेक्ट करती है? जब पैसे चले जाए तब डिटेक्ट करती है। मान लो कोई निगेटिव स्टारसीड है और आपने उसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, ऐसे चैनल्स हैं बहुत सारे, तो और आपको पहले डिटेक्ट करना चाहिए कि ये जो सोल है वो कैसी है, तो मीठी बात तो सामने से आएगी ही, मीठी एनर्जी भी आएगी, क्योंकि मैं भी सालों तक थी फंसी हुई। आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर अपना मनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप फट से मनी इन्वेस्टमेंट करते हो मीठी मीठी बातों पे, ये आपको बताएंगे कि 100% रियूनियन होंगे हमारे इनर वर्क के बाद, जब द रियलिटी इज डिवाइन प्लान के थ्रू होती है और डिवाइन टाइमिंग पे ही रियूनियन होता है। आप लाख कोशिश कर लो, लोग बोलेंगे इससे हो गया, देखो मेरी इतनी तपस्या साधना और मेरे इतना त्याग और मेरे इतना, तो मैं कहती हूँ सेवा भी किसी ने नहीं की, पर ऊपर से कोकोनट की तरह मैं हूँ पर अंदर से क्या हूँ मुझे पता है, तो और मेरे नियर डियर्स को पता है, कहीं ना कहीं वो मेरी हरकतें झेलते हैं ना, मेरा गुस्सा झेलते, वो इसी वजह से झेलते हैं क्योंकि उनको पता है इसने दिया भी उतना ही है, तो ये लाजमी है ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उनको पता है क्या क्या झेला है लाइफ में।
बट ये जो ट्विन जर्नी है बहुत ही संघर्ष की जर्नी है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस होने के लिए कई सारे टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई आपको बोलेगा कि ऐसे वीडियो मत सुनो, ये विक्टिम मेंटालिटी है, जबकि वो आपको रियलिटी बता रही है। जैसे मेरा चैनल रियलिटी बता रहा है, अपनी जर्नी को शेयर कर रहा है। जो निगेटिव स्टार सीड्स होंगे बोलेंगे, अरे ये रोना धोना मत सुनो तुम, ये रोना धोना मत, ये तो निगेटिविटी है, इससे तो तुम लो ऑपरेशन में आएगी। जबकि ऐसे चैनल्स की वीडियो ख़रीद के आप देखोगे, तुरंत आपके घर की लक्ष्मी गायब हो जाएगी। और जो रियल डिवाइन फेमिनिन होती है, उससे छोटा मोटा प्रोग्राम भी आप ख़रीद लेते हो तो आप देखते हो कि आपकी तो हर तरफ से ग्रोथ शुरू हो गई है। बट ये भी है कि मैंने देखा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, तो मैं जनरली उनको बोलती हूँ कि मत कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो आप इनकी नज़र में आ जाओगे और आपके ऊपर ये अटैक्स करेंगे, तो एनर्जी छोड़ेंगे कि ये जो भी कमेंट कर रहा है उसके ऊपर। तो इसीलिए जनरली मैं किसी को नहीं बोलती कि मेरे चैनल पे कमेंट करो। लाइक कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। और कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो यार, सब्सक्राइब हीलिंग की तारीफ करो, सबकॉन्शियस हीलिंग की। अच्छा कर्म क्रिएट होगा क्योंकि बाकी लोगों को हीलिंग मिलेगी। तो 11 तारीख को जो है दोस्तों, मेरा सबकॉन्शियस हीलिंग का 10 दिन का प्रोग्राम है, जिसकी फ़ीस सिर्फ 500 रुपये है। 7 चक्र एक्टिवेशन, एंसेस्टर हीलिंग, DM-DF बैलेंस, आपके DM के साथ आपकी टेलीपैथिक कनेक्शन, जितने भी इशू होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ब्लैक मैजिक रिमूव हो, DNA एक्टिवेशन, कॉर्ड कटिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, सारे के सारे इश्यूज जो है सबके साथ, सिर्फ DM के साथ नहीं, बाकी सबके साथ भी आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं तो वो, और सेल्फ लव, ये सब कुछ लिया जाना है, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। तो ऐसा होता है कि जब निगेटिव कैसे पहचाने, जब निगेटिव चैनल्स की ओर आप पैसा खर्च करते हो, आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है। और जब आप इनको टाइम देते हो, इनके वीडियो देखते हो, ये ऐसी लॉजिकल बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि ये कितना करेक्ट बता रही है। और आप देखोगे कि, और जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस होती है, उनका लॉजिकल माइंड बहुत ही कम होता है, कम चलता है। ये होता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाता है ट्विन जर्नी में आने के बाद, पर जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, लॉजिकल माइंड बहुत ही कम होता है। वो भावना प्रधान, इमोशनल, गुस्से में आने वाली रहेगी वो, ऐसी वो रिएक्ट करेगी, जो उसको लगेगा कि ये गलत है तो रिएक्ट करेगी। तो ऐसी होती है रियल डिवाइन फेमिनिन, जो एकदम लॉजिकली, जैसे सुहागरात के पहले आपको समझाया जा रहा है, इस तरह से अगर कोई बिहेव कर रहा है तो बी केयरफुल। ये आपको, क्योंकि बी केयरफुल क्यों, ये तो बातें तो आपको अच्छी बता रहे हैं, समझा तो अच्छा रहे, लॉजिक भी अच्छा लगा रहे, लेकिन ये सोल गुड नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका मनी इनके पास जाता है तो कहीं ना कहीं आपका मनी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। आप टाइम इनको दे रहे हो, उनकी हर एक वीडियो देख रहे हो, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो सब्सक्राइबर आता है उनका सब अच्छा होने लगता है, बट उनके सपने में उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया अच्छे, उनके पीछे चिपकली लग गई। तो बात ये है कि जब रियल के सामने आप जाते हो तो निगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त नहीं होता, वो आपको ऐसे साइन देके ये करेंगे कि ये तो गलत है, ये तो निगेटिव है, ये तो लो वाइब्रेशन में जाते हैं, ये तो विक्टिम मेंटालिटी है, पता नहीं क्या क्या आपको ऐसे बताएंगे। और आपको लगेगा बाप रे चिपकली पीछे पड़ गई है, मतलब यही निगेटिव वाइब्रेशन। द रियलिटी इज़ कि एक रियल डिवाइन कनेक्शन से भगाने के लिए, एक रियल डिवाइन फेमिनिन से भगाने के लिए आपके ऊपर ही अटैक किए जाते। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ड्रीम में जो है, जब वो मुझसे जुड़े हैं, रेकी सीखने लगे, उनके ऊपर अटैक होने लगे। तो सीधी सी बात है, उनको साधना और बढ़ाइए, आकाशिक रिकॉर्ड सीखिए, स्ट्रांग प्रोटेक्शन लीजिए, तभी ये जा सकता है। और अगर आप कदम पीछे ले लेते हो कि इनके साथ ये होने से, ये है तो अच्छी, लेकिन इनके साथ होने से मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो होगा क्या दोस्तों कि थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि मैं सुरक्षित हूँ, बाद में आपको इतने बोरवेल के अंदर गड्ढे में डाल दिया जाएगा कि आप पछताओगे कि मैं अच्छी राह से भटक के कहाँ वहाँ चला गया था। तो जनरली मेरे पास जो आते हैं, सारे प्रोग्राम वहाँ से खरीद के डूब के ड्रेन होके आत्महत्या करने की, मतलब ये होता है, क्योंकि आप जितना टाइम देते हो, ऐसे लोगों के वीडियो देखते हो, तो देखने में तो लगता है कि ये तो बहुत अच्छा समझा रहे, बहुत अच्छा लॉजिक है, लेकिन सोल अच्छी नहीं है ना।
तो वो जो डेविल सोल होती है वो पूरा आपका गुड लक छीन लेती है, और आपको बोला जाएगा कि रियूनियन तो यहाँ पे होते हैं, 100% होते हैं। तो रियूनियन डिवाइन टाइमिंग पे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ओके कि ये डिवाइन सोल है। इसको द फैक्ट इज़ मेरे चैनल पे सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स ही है जो जानते हैं ये जर्नी संघर्ष की है, और हमारा रियूनियन कराना ये तो ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हमें सिर्फ कर्तव्य करना है, हमें सिर्फ इनर वर्क करना है, हमें सोल पर्पस करना है। मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं वो सोल पर्पस के बारे में सोचने वाले हैं, और ऐसे चैनल्स जो होते हैं वो वहाँ के सब्सक्राइबर तो रियल होते भी नहीं है, सच बताती हूँ। होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट उनको लेट समझ में आता है क्या ट्रू है क्या सत्य है, ये एक माया की तरह उनको कवर कर लेते हैं। और मेरे चैनल पे 100% प्योर और रियल ट्विन फ्लेम्स है, और उनकी बहुत ही डिवाइन वाइब्रेशन है। आप देखोगे कि जब इस चैनल को ओपन करोगे तो एक अलग ही होगा ओके, अलग ही एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये रियल रियलिटी से भरा हुआ चैनल है। ये कोई सुहागरात कैसे मनानी है, कितनी इम्प्रेसिव मनानी है, ज़िंदगी भर याद रखोगे, ये चैनल वो नहीं है। वो ये चैनल सिर्फ रियलिटी बताता है, ये चैनल आपको बहलाता फुसलाता नहीं है। तो दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर आपको 100% कन्फर्मेशन खुद से कराना है, क्योंकि टैरो से कन्फर्मेशन नहीं होता है, टैरो से एनर्जी पता लगती है ओके, टैरो से कन्फर्मेशन नहीं होता है। अगर कोई करता है कन्फर्मेशन तो जाइए भाई बहलाइए अपने आप को, क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम्स की कन्फर्मेशन गॉड खुद कराता है। अवेकनिंग क्या होता है? अवेकनिंग तो है, कन्फर्मेशन होता है। अवेकनिंग में तो ही इतने हजारों करोड़ों साइन मिलते हैं जब आप कन्फर्म होते हो, समझ रहे हो आप? फिर इसके बाद भी आपको कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं ओके। तो कन्फर्म करें कैसे फिर? साइन तो इतने मिले हैं, फिर कन्फर्म कैसे करें? इसमें होता है दोस्तों कि आपके 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं। इसको फिजिकल लेवल पे महसूस करना है तो आपको रेकी सीखनी पड़ेगी, 3rd 4th लेवल तक सीखनी पड़ेगी, जिससे आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ मेरा आधा चक्र घूम रहा है, हाँ मेरा क्राउन घूम रहा है, हाँ मेरा थ्रोट घूम रहा है। और सबसे बड़ा साइन होता है जिसका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है वो ट्विन फ्लेम होता है, वो स्टारसीड होता है। तो पहचाने कैसे? जैसे मेरे सोलमेट ने पहचाना, उसका मैंने रेकी सिखाया उसको, तो आप भी जो है रेकी सीखिए और ख़ुद ही कन्फर्म कीजिए, ना कि हजारों अपने लाखों पैसे डालकर ऐसे करके कंफर्म करने से अच्छा है खुद ही, क्योंकि ज़िंदगी भर इस ख्याल में रहकर आप कार्मिक को एनर्जी दे रहे हो, फॉल्स ट्विन को एनर्जी दे रहे हो, पता नहीं किसको दे रहे हो, और यहाँ आपका जो है गुड लक छीन जाता है, बिग सब कुछ डूब जाता है आपका, ख़त्म, लाइफ ख़त्म हो जाता है। जब झटका लगता है तब समझ में आता है। तो इससे अच्छा है कि आप रेकी सीखो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ना कि पीछे खींचो, क्योंकि और रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। ऐसे भी वीडियो बन रहे हैं शक्तिपात मत करवाओ, तो खाना बनाने के लिए आ चुके तो शक्तिपात, बाकी शक्तिपात डेंजरस होते हैं, रेकी का डेंजरस नहीं होता। रेकी बहुत ही सॉफ्ट है, वो कभी कोई नुकसान नहीं करती। तो ज्योतिष के कोर्स सिर्फ 1100 में है, टैरो के कोर्सेस भी सिर्फ 1100 में है, वो सीखिए। और संडे को सारे क्रिस्टल रेकी, रेकी प्राणिक हीलिंग, विद्या शक्तिपात, मनी रेकी होता है उसको अटेंड कीजिए। आकाशिक रिकॉर्ड की भी कल क्लासेस है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है ओके। सबकॉन्शियस हीलिंग प्रोग्राम और ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रोग्राम जो है दोस्तों 11 तारीख को है, सिर्फ 500 रुपये फीस है, और 10 दिन का प्रोग्राम है ओके, इतने सस्ते में रखा है। और रिकॉर्डिंग्स भी अगर ख़रीदनी है सबकॉन्शियस हीलिंग की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो कर सकते। कल पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जिसकी फीस 300 रुपये पर हेड है ओके, पर सेशन 300 रुपये। तो जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकता है ओके। थैंक यू सो मच।